टेम्पो कहां से आ गया? हेलो, हाँ काम हो गया। एम्बुलेंस कहाँ चली गई? माँ नहीं देखा? बहन जी, आपने कोई एम्बुलेंस को जाते हुए देखा यहाँ से? थैंक यू। जब आदमी जीतता है ना तो खुशी चेहरे पे अपने आप आ जाती है, पापा जी नहीं है। हेलो अम्मा, एक मिनट में अचानक से एम्बुलेंस गायब हो गई। पता नहीं वो लोग माँ को लेकर कहाँ चले गए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जल्दी जल्दी में एम्बुलेंस का नंबर भी नोट नहीं किया। पूजा बिटिया, तू परेशान मत हो। अरे वो एम्बुलेंस किसी और रास्ते चली गई होगी। बारिश का मौसम है ना, सड़कें खराब हो रखी हैं। बिटिया तू एक काम कर, तू हॉस्पिटल पहुंच, वो एम्बुलेंस जरूर वहीं पहुंचेगी। ठीक है। पूजा और कबीर, कबीर और पूजा, एक नदी के ऐसे दो किनारे जो चलेंगे साथ साथ पर कभी मिल नहीं पाएंगे। डियर ओम, व्हाट अ डायलॉग पापाई। पर आपने किया क्या है? बच्चे मैंने जो किया है ना, उसके बाद पूजा और कबीर अगर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं, तो मेरे को कहना। भाई साहब, यहाँ पे अभी एक एम्बुलेंस आई होगी जिसमें एक फीमेल पेशेंट थी। उन्हें कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए। नहीं मैडम, ऐसी कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? अरे अभी आई है, आप कहीं और गए होंगे। आप दूसरे गार्ड्स को बुलाइए जो ड्यूटी पे थे। मैडम पिछले दो घंटे से यहीं खड़ा हूँ, हिला तक नहीं हूँ। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं आई। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ मैं अभी आई हूँ। मेरे आगे आगे चल रही थी एम्बुलेंस, आपको पता नहीं। अम्मा अम्मा देखिए ना कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कब से इनसे पूछ रही हूँ कि एम्बुलेंस कहाँ है जिसमें माँ थी, इन्हें पता ही नहीं है। माता जी मैं कह रहा हूँ कोई एम्बुलेंस नहीं आई है यहाँ पे, मैं पिछले दो घंटे से यहीं खड़ा हूँ। अम्मा कौन सी नर्स? हम तो बस एक डेड बॉडी छोड़ने गए थे। आपको विश्वास नहीं होता ना, ये देखिए। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं अम्मा, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद बिठाया था माँ को यहाँ पे। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपने कहाँ छुपा दिया मेरी माँ को बताइए। और वो नर्स कहाँ है? अरे मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो दूसरी एम्बुलेंस में होगी शायद। ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ चली गई माँ? पूजा बेटा तू अभी चल यहाँ से। अम्मा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, छिपा दिया इन्होंने माँ को कहीं। मैं ना तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, अंदर करवा दूंगी तुम सबको।
इन लोगों पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पुलिस को बोल दिया है, तू शांत हो जा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? मैंने तो मान लिया था ना कि मेरी माँ नहीं है। आज अचानक से मुझे मेरी माँ मिल गई, मुझे पहचाना, मुझसे बात की और अचानक अब गायब हो गई। कहाँ है मेरी माँ? तू चल अभी यहाँ से। मुझे माँ चाहिए अम्मा, मुझे माँ, मुझे मम्मा चाहिए। तू चल, आ जा, चल चल, आ जा, चल। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? मैंने खुद एम्बुलेंस को कॉल किया था। फोन देखा अपना? देखा फोन? क्या हुआ? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? फोन दिखाओ ना। जी जी, वो मोबाइल मैडम। फोन क्या छुपा रहे हो? फोन क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा मैडम? तू नहीं दिखाएगा तो मैं खुद ही देख लूंगा। एम्बुलेंस मिल गई मैडम? एक एम्बुलेंस मिली है मेरी टीम को। तो चलिए, आप वेट क्या कर रहे हैं? चलिए। यही वो नर्स थी जिन्हें आपने देखा था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मुझे नहीं पता कौन थी। तुम ही थी ना? तुम्ही ने मेरी माँ को एम्बुलेंस में डाला था ना? कहाँ रख गया मेरी माँ को? कहाँ छुपा के रखा है? मैम, हमें कॉल आया था मंदिर से। एक पेशेंट जो मेंटली प्रॉब्लम थी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। जैसे हम मंदिर के लिए निकले तो दो लोगों ने हमारी गाड़ी रोक दी। उनका फेस बंधा हुआ था, उन्होंने हमें बेहोश भी कर दिया था। जब हमें होश आया तब हम यहाँ पे ही रुके हुए थे। सर, वो कॉल मैंने ही किया था एम्बुलेंस बुलाने का। मैम, मेरे पे शक हो रहा है। सॉरी, मैं बहुत परेशान थी इसलिए शायद। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी माँ? मैडम, आप घर जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पूजा, कहाँ चली गई माँ? कौन लेकर गया होगा उन्हें? तू चल, घर चल, चल आ जा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? सारा दिन तो मैंने तेरे से बात करी थी, तू तो बोल रहा कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बस हो गया, बस हो गया, संपट बैठ रही है। फिर क्या हो गया? ये अचानक प्लान कैसे फेल हो गया? कोते दा पुत्र, घटिया क्लास, घटिया क्लास। What's up पप्पा जी, ये आग का गोला क्यों बने हुए हो? अरे साला, सुबह से इनको, इन निकम्मों को काम पे लगाया हुआ था मैंने। अब बताओ, अब बोल रहे हैं कि ये धूप के छुपे होने की खबर ही गलत है साहब, वो तो वहां था ही नहीं। और साला मैं यहाँ सोच के बैठा हुआ कि जैसे ही ध्रुव हाथ आएगा आज उसका राम नाम सत कुर्बानी पक्की। कुर्बानी, 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 भाई, ओ माय गॉड, आप यहाँ बैठ के कुर्बानी का जल्लाद होने की प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरी बात चला 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 के सबको जाके बोल। पापा जी, सब जा चुके हैं। अरे एक तो वो पूजा, पूजा यहाँ सब कुछ अपना दान में लुटाने पे तुली हुई है। क्या करूं, लुट जाने दूं, बैठ जाऊं हाथ पे हाथ रख के? मैंने तो सोचा था कि जैसे ही ध्रुव हाथ आएगा उसको मार के सारा इल्जाम पूजा के सर पे डाल देंगे। इस पचड़े से निकलने में सालों लग जाएंगे, तब तक अपनी संपट बैठ जाएगी। ये थाटिया क्लास, ये थाटिया क्लास उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। सोनाली, कहां थी तो इतनी देर तक बेटा?
वो दादू मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी ऐसे ही। सोनाली अब वो कबीर को देखा क्या? सुबह से नजर नहीं आ रहा है। हाँ बड़ी मम्मी मैंने भी उन्हें सुबह ही देखा था, कहीं जा रहे थे, कुछ बोले नहीं। जब से पूजा ने इसे सबके सामने जलील किया है, ना किसी से बात कर रहा है और ना कुछ, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। कहाँ चली गई? भगवान जी प्लीज तेरी माँ को वापस कर दीजिए मुझे। मुझे तो लगा था मैंने मेरी माँ को खो दिया है, मैं उन्हें फिर से नहीं खोना चाहती, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। कुछ भी ले लीजिए मुझसे, लेकिन मेरी माँ को लौटा दीजिए। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, माँ की बहुत याद आ रही है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? और मेरी माँ कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उन्हें? अगर मेरी माँ को कुछ भी किया ना तूने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी किया ना मेरी माँ को तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्लीज मुझे बता दो मेरी माँ कहाँ है। उन्हें प्लीज कुछ मत करना, तुम्हें तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो मुझसे, लेकिन मेरी माँ को वापस कर दो प्लीज प्लीज। एक्चुअली तुम्हें पावर का और पैसे का बहुत बड़ा नशा है ना? तुम्हें क्या लगता है, थोड़ी सी पावर दिखा के, थोड़े से पैसे फेंक के तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो? अपनी माँ को तो वापस नहीं ला पाए तुम। कबीर, तुम कबीर, कबीर मित्तल, ना मुझे पैसे चाहिए, ना घर चाहिए, ना दौलत, ना शोहरत, और ना ये फैक्ट्री। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। चलो मान लो एक, जैसे कि एक शर्त, शर्त मान लोगे तो अपनी माँ को वापस ले जाओगे। शर्त? ऑफ कोर्स, तुम शर्त ही रखोगे ना, तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने मैं ले आई हूँ। तुम्हारा एक घिनौना चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है कबीर मित्तल। ब्रिंग इट ऑन, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम ले लो मुझसे, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। बोलो क्या चाहते हो तुम और मुझे कहाँ आना है। वाओ, मुझे लगा था तुम्हें बदले के अलावा कोई और इमोशन ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। आज पूजा शर्मा, आज तुमने मुझे चौंका दिया है। शर्त बताओ कबीर, क्या चाहते हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है पूजा शर्मा, जल्दी का काम शैतान का होता है। इत्मीनान रखो, आराम से बात करते हैं ना। एंड आफ्टर ऑल तुम शैतान तो ही ना, राइट? हेलो कबीर, भैया गाड़ी चलाइए। ओके। डैमिट! भगवान! क्या शर्त होगी भैया आपकी? आपने बताया क्यों नहीं पूजा को? सुनाली, सही वक्त आने पे सही बात बोली जाए ना तो उसका असर दुगना होता है। सही समय आने दे, शायद बता दूंगा तुझे। कबीर तू दो दिन से कहाँ है? तेरे पास काम भी नहीं है और तू ढूंढ भी नहीं रहा है, फिर क्या कर रहा था इतने टाइम से? मॉम, किसने कहा आपको, किसने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिली? मुझे ना, मुझे एक नई जॉब मिल चुकी है। कबीर,
तू यहाँ क्यों आई? कबीर मेरी माँ का है, मेरी माँ का है, कहाँ छुपा के रखा है तुमने उन्हें? बताओ। ए लड़की, तू धतूरा खाती है क्या? तेरी माँ को मरे हुए जमाना बीत चुका है और अब तू उसका इल्जाम भी हम लोगों पर लगाएगी? नहीं मरी है, जिंदा है मेरी माँ, और आपके बेटे ने उन्हें किडनैप करके रखा है, छुपा के रखा है। कबीर बताते क्यों नहीं? बताओ ना, कहाँ छुपा के रखा है मेरी माँ को? अपनी फैमिली को बताते क्यों नहीं? I don't care. तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे मेरी माँ चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? तू हमसे जो भी कुछ छीनना चाहती थी छीन चुकी है ना, सब आ गए ना तेरे पास। अब और तुझे क्या चाहिए? क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ती? जब सब कुछ मिल गया तो अपनी मरी हुई माँ को निकाल लाई। अगर तू मेरे गुस्से से बचना चाहती है ना, तो निकल इस घर से, निकल बाहर। छोड़िए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे किसी से कुछ और नहीं चाहिए। कबीर प्लीज, मुझे सिर्फ मेरी माँ वापस चाहिए। तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्लीज मेरी माँ को लौटा दो, मैं उन्हें फिर से नहीं खो सकती। मुझे मेरी माँ वापस चाहिए कबीर, प्लीज। जाओ, निकल निकल यहाँ से, और हमारे घर के आसपास भी मत दिखाई देना। चल निकल, निकल यहाँ से, कबीर निकल बाहर। कबीर इधर देख, क्या कह रही थी ये? वो सच कह रही है ना? पूजा की माँ जिंदा है, तूने उसे कहाँ छिपा के रखा है? सुमन तुम ये क्या कह रही हो? ये ऐसा क्यों करेगा? तुम कबीर पे शक क्यों कर रही हो? क्योंकि उस लड़की का दर्द सच्चा था भाऊजी, उसकी आंखों के आंसू सच्चे थे। कबीर कहाँ है उसकी माँ? क्या है कबीर, तू पागल हो गया है क्या? ये यहाँ पर क्या कर रही है? तू ध्रुव क्यों होता जा रहा है? तू खुद ही कह रहा था ना कि ध्रुव पूजा का किडनैप करके अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है, तू ये क्यों कर रहा है? अरे मैं भी उस लड़की से नफरत करती हूँ, शायद तुझसे ज्यादा नफरत करती हूँ उससे, तो ये सब करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। मत कर कबीर। ठीक है, मैं उस पूजा को फोन कर देती हूँ कि उसकी माँ यहाँ पर है, आए और लेके जाए इसे यहाँ से। अभी कॉल करती हूँ। मॉम, मम्मी, मॉम, मॉम आप पूजा को फोन नहीं करेंगी, छोड़िए। कबीर छोड़ मेरा हाथ, छोड़। मॉम छोड़िए इसे। कबीर मेरा हाथ छोड़, पागलपन मत कर। मॉम मैं पागल नहीं हूँ, और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, सही कर रहा हूँ मैं। तुझे कुछ नहीं पता है बेटा, इस बदले के चक्कर में तू अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेगा। मॉम मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, अब जो बात है ना वो बात बदले से आगे पहुंच चुकी है। ये बात सिर्फ मेरे बदले की नहीं है, ये बात है पूजा की हर एक उस गलती के हिसाब लेने की जो उसने हमारे साथ की है, जो गलत उसने आपके साथ किया, मेरे साथ किया, दादू के साथ किया, हम सबके साथ किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं मॉम कि पूजा को पश्चाताप करना पड़े अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का। वो पश्चाताप करेगी और मैं करवाऊंगा उससे ये सब। हमारे परिवार पे किया हुआ हर एक अपमान उसे मिटाना होगा मॉम, हर वो गलती जो उसने की है उसे सुधारनी होगी, ये सब उससे मैं करवाऊंगा मां। तू पागल हो गया है कबीर, तू पागल हो गया नहीं, है। नहीं नहीं, मैं पागल था, पागल में पहले था मॉम, अब मुझे होश आया है, होश आया मुझे, अब मुझे पता है मॉम कि क्या सही है, और मुझे ये भी पता है मॉम कि मैं सही कर रहा हूं। वो जो पूजा है ना, उसने जो जो गलती की है ना, उसका सारा सारा हिसाब देगी वो हमें, और पूजा को मोहम अपनी हर एक गलती सुधारनी होगी, हर एक गलती का हिसाब वो देगी।
और कैसे करवाएगा तू? हाँ बता, कैसे करवाएगा? उसे अपनी शर्त मनवा के। शर्त? कैसी शर्त? बता कबीर, बता कैसी शर्त? क्या है तेरी शर्त, बोल ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।